जमींदोज होगा दिलीप कुमार का बंगला। तोड़ा जाएगा वो घर जहां रहते थे ट्रेजेडी किंग। 50 सालों तक इसी बंगले में रहे दिलीप कुमार। अब बंगले की जगह बनेगा 11 मंजिल का अपार्टमेंट, साथ ही बनाया जाएगा दिलीप कुमार म्यूजियम। इतिहास बन जाएगा वो बंगला जहां रहा करते थे हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। साल 1953 में उन्होंने मुंबई के पाली हिल इलाके में इस बंगले को खरीदा था। करीब 50 साल तक वो इसी बंगले में रहे और फिर 7 जुलाई 2021 को उन्होंने अपने इस आशियाने में आखिरी सांस ली थी। इसी बंगले से उनका जनाजा उठा और उन्हें आखिरी विदाई दी गई थी। दिलीप कुमार की इस आखिरी निशानी को तोड़कर यहां उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया जाएगा और साथ ही तैयार होगा 11 फ्लोर का आलीशान अपार्टमेंट। दिलीप कुमार का ये बंगला आधे एकड़ में फैला हुआ है। इसका 1.75 लाख वर्ग फुट से अधिक कंस्ट्रक्शन एरिया है जिस पर 11 फ्लोर बनाए जाएंगे। बंगले की जगह 11 मंजिल इमारत एशर ग्रुप बना रही है और ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 900 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इस बंगले को लेकर सालों से कानूनी विवाद था। पहले दिलीप कुमार के परिवार ने एक रियल एस्टेट कंपनी पर नकली कागजात बनाकर जमीन हथियाने का आरोप मढ़ा था। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2017 में सायरा बानो ने ऐलान किया था कि वो केस जीत गई हैं और उन्हें आलीशान बंगले का मालिकाना हक मिल गया है। सायरा बानो ने अब इस जमीन पर दिलीप कुमार के नाम का म्यूजियम और 11 मंजिला इमारत बनवाने का फैसला किया है। वैसे तो इस बंगले की कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इसका सौदा कितने में हुआ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार की संपत्ति की वारिस सायरा बानो ने अब इस बंगले और प्लॉट पर 11 मंजिला लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और एक संग्रहालय बनाने की अनुमति दे दी है। इन दोनों के लिए एंट्रेंस अलग अलग होगा। दिलीप कुमार ने 1953 में इस बंगले को कमरुद्दीन लतीफ नाम के एक शख्स से करीब 1.4 लाख रुपए में खरीदा था। जिस प्लॉट पर यह बंगला बना है उसे कमरुद्दीन लतीफ ने 1923 में मूलराज खतायू नाम के शख्स के परिवार से 999 सालों की लीज पर लिया था। दिलीप कुमार के इस बंगले के बगल में ही सुनील दत्त का अजंता बंगला था जिसे उन्होंने तुड़वा कर इम्पीरियल हाइट्स बिल्डिंग बनवा ली थी। दिलीप कुमार के बंगले के आसपास नीतू कपूर, आमिर खान और सैफ अली खान का भी घर है। दिलीप कुमार के इस बंगले की बात करें तो इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। ये बंगला करीब 2000 वर्ग मीटर में बनवाया गया था, साथ ही यहाँ गार्डन के लिए भी काफी स्पेस है। दिलीप कुमार का बंगला सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है बल्कि इस बंगले का इंटीरियर भी शानदार है। इस घर में सुंदर सफेद संगमरमर का फर्श है, साथ ही बंगले के अंदर आपको सफेद संगमरमर की खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलती है। वहीं लकड़ी के नायाब फर्नीचर इस बंगले की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। पूरे घर में फर्नीचर और पर्दे ऑफ व्हाइट या फिर लाइट कलर के रखे गए हैं ताकि पूरा घर एक जैसा दिखे। सायरा बानो ने पूरे घर को इस्लामिक तौर तरीके से सजाया है जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिलीप कुमार को इस बंगले से बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी का सफर इसी बंगले में पूरा किया और यहीं से जीवन की अंतिम यात्रा पर निकले थे। वहीं अब उनकी याद में सायरा बानो म्यूजियम बनवा रही हैं, जहां दिलीप कुमार की तमाम चीजें रखी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।